हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है जरा कमेंट करके बताइए फटाफट से। कैसे हो दोस्तों? इज ऑडियो और वीडियो क्लियर नाउ? जल्दी से आ जाओ यार फटाफट से, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके बहुत बढ़िया तरीके से। मजा आने वाला है आज। देखो स्टॉप वॉच भी रख ली गई है। स्टॉप वॉच इसलिए रखी गई है दोस्त, स्टॉप वॉच इसलिए रखी गई क्योंकि भैया टाइम बराबर मिलेगा सबको, ठीक है? टाइम बराबर मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आ गए हैं तो सेशन को लाइक ठोक दो, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है? क्वेश्चंस में आपको बहुत मजा आने वाला है। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग अरुण, सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ यार जल्दी से, ठीक है? आज क्वेश्चन का लेवल देखिए आप जरा, आपको कितना मजा आएगा। देखिए जरा, आइए जल्दी आइए, फटाफट फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िए और एंजॉय कीजिए भैया सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है? आ जाओ, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब सेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढ के आप लोगों के लिए लाया हूं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं विथ कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। विथ कंसेप्ट आपको आज क्वेश्चन सिखाऊंगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन कभी नहीं किए होंगे क्या, कि जिन क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट सीखना है? क्योंकि देखिए हम सिर्फ आसपास का क्वेश्चन देख लें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेटर है उसके आसपास के जितने कंसेप्ट हैं हम उनको भी समझें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो चीज समझने के लिए आज हम जुड़ गए हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए इस प्रण के साथ कि भैया आज हमें खत्म करना है इसको, लेट्स क्रैक इट नाउ, ठीक है? क्रैक करना है हमें एग्जाम क्रैक करना है। जुड़ जाओ सभी लोग, शेयर कर दो यार। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दो, ताकि सभी दोस्त आ जाए, ठीक है? आ जाइए जल्दी से। और वीडियो अगर पसंद आए, मेहनत पसंद आए, क्योंकि कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा सेम समय पर। जो आज ऑफलाइन देख रहे हैं उनको बता दूं, कल सेम वक्त पर इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें भी जुड़ना है, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, मजा तभी आएगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए, सब कुछ क्लियर है, ठीक है? वीडियो पूरा देखिएगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया है, सारे क्वेश्चंस लाया हूं, हर प्रकार के मिक्स। जो पोल मैंने कराया था उसमें मिक्स क्वेश्चन जीत गया, ठीक है? तो इसलिए मिक्स क्वेश्चन रखिएगा। चलिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहां पर मैं आपको रोज 8 बजे मिलता हूं, ठीक है? 8 बजे रोज यहां मिलता हूं। आप इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। लिंक कहां मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पे भैया क्या, कैसे ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप, आप सभी को पता है। जाइए टेलीग्राम पे और जुड़ जाइए, वहीं पे इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा मैं। तो क्वेश्चन में लाया हूं ना मेरे भाइयों, उसके विद कंसेप्ट आपको वो क्वेश्चन सिखाऊंगा आज। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे मिक्स है, ठीक है? ठीक है, तो भैया इस टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे अनुज स्पेस देके 24 स्पेस देके पीडीएफ लिख दीजिएगा, आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, जहां पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए तो बिगिन करते हैं। अच्छा, कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का मन है, कोड याद रखिएगा AC007, AC फॉर अनुज 24 और 007 तो आपको पता ही है। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, एक और चीज आपको मिलेगी यहाँ पे साथ ही साथ, क्या? स्टॉप वॉच के साथ करेंगे भैया। उसमें क्या होगा कि सबके लिए बराबर समय मिलेगा, बराबर समय मिलेगा भैया, ठीक है? तो मैं आपको समय दे रहा हूं फिलहाल 30-25 सेकंड बस, या 20 सेकंड का समय इनफ है, 25 सेकंड चलो पहला क्वेश्चन है। तो ये आपका समय मैंने शुरू कर दिया, 25 सेकंड आपके पास है, आंसर दीजिए पहला क्वेश्चन। बहुत ईजी डाला है, इंटरेस्टिंग डाला है। रिक्वेस्ट एक ही है कि पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलिए, आपका समय समाप्त होने वाला है। आंसर नहीं आए अभी तक, आंसर नहीं आए हैं, एक आया है, दो आंसर आ गए हैं, चलिए देखते हैं। और इसी के साथ टाइम समाप्त हो गया पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है? धीरे धीरे जुड़ेंगे बच्चे, टाइम समाप्त हो गया है। टाइम इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ठीक है, जो हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स होगा, वहां पर टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? चलिए, तो कुछ बोल रहे हैं बी, कुछ बोल रहे हैं डी, लेट्स सी द आंसर। क्या बोला है? व्हेन वी कट एन ओनियन, जब हम प्याज काटते हैं, द सिंथेसिस एंजाइम कन्वर्ट द एनिमो एसिड
सल्फोक्साइड ऑफ द ओनियन इनटू विच एसिड, किस एसिड में कन्वर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे आंसू आते हैं। कौन सा एसिड होता है दोस्तों? वो होता है मेरे दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा भैया। पहला ही क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक से डाला था थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा, उसके लिए आपको पूरा रीजन भी मैंने डाल दिया है। क्या होता है? जो लेंथ्रोमेट्री फैक्टर होता है सिंथेसिस करता है रिलीज इनटू द एयर व्हेन वी कट एन, अच्छा हवा में वो, इसका आंसर है डी, ठीक है। इसका आंसर है डी, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बस आप लोग जुड़ो यार, ठीक है। विथ टाइम के साथ, टाइम बहुत जरूरी है, टाइम एक फैक्टर है जिसको मैंने इस बार कंसीडर करा है हमारे स्टॉप वॉच के साथ। चले, हाँ, तो एयर में रिएक्ट करके जब हम ओनियन को कट करते हैं, ये कौन सा एसिड बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को बनाता है। ये अगला क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। जल्दी से आंसर दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया इसका। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हो गई बेटा, गुड इवनिंग हो गई। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं भैया, ये भैया अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। ये जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं स्टॉप वॉच नहीं दे रहा हूँ फिलहाल आपको। देखते हैं, इराक की तरफ जा रहे हैं भाइयों, इराक की तरफ जा रहे हैं लोग, इराक की तरफ जा रहे हैं, कुछ डी की तरफ भी जा रहे हैं, देखते हैं आंसर। इराक की तरफ जा रहे हैं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इन इंडिया? भैया सी इज करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन। भैया सारे क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे, आगे देखो, बहुत मिक्स है सबका, सबका मिक्स है आज, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में भी ऐसे मिलता है। तो भैया देख लो, इराक जो है कंटिन्यू टू बी द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया डिस्पाइट अ 23% डिक्लाइन इन परचेज टू अ 5 month लो ऑफ दिस। अच्छा, अगर मैं किसी से पूछूं सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे पूछूं, ये तो लार्जेस्ट हो गया, अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पे कौन है, कोई बता पाएगा? एडिशनल क्वेश्चन है, अगर कोई बता पाए तो बता दीजिएगा। चलिए, खैर मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, करिए गुड क्वेश्चन अगेन मेरे दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, पर मजा आ रहा तो सेशन को लाइक करो। रोज 6 बजे मिलूंगा यहाँ पे, रोज 6 बजे, अगले 3-4 दिन तक रोज मिलने वाला हूं। और हाँ, जिसको ये पीडीएफ चाहिए है वो इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, ये लिखा है टेलीग्राम ग्रुप नीचे, अनुज स्पेस देके 24 स्पेस देके पीडीएफ, इसमें जुड़ जाना, आपको यहां से मिल जाएंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, फिफ्थ का आंसर बताइए जल्दी से। डी 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 डी, वाह क्या बात है, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। व्हाट इज द मोर कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? भैया याद रखिएगा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्राई ऑक्साइड, ड्राई आइस, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, ड्राई आइस इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ओके, ड्राई आइस इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए आप, मजे देखिए आज। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए दोस्तों। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोविड से रिलेटेड है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए, कौन बता रहा है इसका आंसर? यार एक काम करो, ऐसे लिखो यार, फिफ्थ का डी, सिक्स का सी, इस तरीके से लिखो। चलिए रशिया, रशिया बहुत बढ़िया, पता है मतलब, कोई और, कोई और? बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों आप लोगों का, मिश्रा जी का बिल्कुल सही है, मिश्रा जी का बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। इसके साथ देखिए, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, इसके साथ क्यों पना करा था? क्योंकि उससे क्या हो रहे थे, साइड इफेक्ट हो रहे थे। नो, फिफ्थ इज डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, फिफ्थ डी इज करेक्ट आंसर, व्हाट अ सुपर्ब क्वेश्चन इट वाज। नीदरलैंड हैज सस्पेंडेड द यूज ऑफ एस्ट्रोजेनियस कोविड-19 वैक्सीन बिकॉज द यूज ऑफ दिस वैक्सीन हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द साइड इफेक्ट। कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसा लगा क्वेश्चन, एक एक बच्चा कमेंट करो, कैसा लगा ये क्वेश्चन दोस्तों, विथ रीजन,
फिफ्थ रीजन। अच्छा लगा क्वेश्चन, मजा आया, मजा आया, मजा आया तो बताओ यार जल्दी से और लाइक करो, क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा मजा आया तो भैया जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी खेल लेते हैं, थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको दूंगा थोड़ा सा टाइम, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा 40 सेकंड का, ठीक है। वैसे तो अभी ही आपका टाइम चालू हो गया, लेकिन चलो खैर 40 सेकंड का वक्त देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए करिए चालू, समय आपका शुरू हो गया दोस्तों। अभी लीजिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से सॉल्व, समय आपका शुरू हो चुका है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सपोज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ऐसे और क्वेश्चन चाहिए हैं तो बताना भैया, उसके लिए आपको रोज आना पड़ेगा, उसके लिए आपको रोज आना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। आपका समय जा रहा है, जल्दी सॉल्व कर दो भैया, समय इज इंपॉर्टेंट है भैया। फिफ्थ का आंसर बताइए जल्दी से, अगला एक और क्वेश्चन। श्रुति जी का आंसर आ चुका है, चलिए बाकी लोगों का देखते हैं, बाकी लोगों का देखते हैं। ए सी अलिया, ए और सी में लड़ाई हो गई, टाइम खत्म हो गया। देखो यार एक मिनट मेरे हिसाब से सफिशियंट होता है दोस्तों, 40 सेकंड तो मैंने यहां दिए थे और एक 20 सेकंड आपने पढ़ने में पहले ही दे दिया, तो एक मिनट यार सफिशियंट था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन कराता हूं। 24 आ रहा है आंसर, दीपम जागसा और मिश्रा जी का ए आ रहा है, बाकी सबका सी आ रहा है। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 रिस्पेक्टिवली, 3 years हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द आनंद प्रेजेंट एजेस। देखो भैया एज करेक्ट आंसर जिनका आया है, भैया बोला है प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5x और 4x, 5:4 का रेशियो था। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद हो जाएगा 5x+3 और 4x+3, तो उन्होंने बोला है 3 साल बाद इनका रेशियो हो गया 11:9। बस अब तो सॉल्व ही करना है, देख लो इनने बोला अभी क्या है प्रेजेंट में जो एज है वो 5:4 है, तो मान ली हमने 5x और 4x है, लेकिन 3 साल बाद कितनी हो गई, 3 साल बाद कितनी हो गई 11:9 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर मैं अकेडमी ऐप पे कराता हूं, कभी आइएगा आपको अगर वक्त मिले तो, ठीक है। तो यहां से बस अब x की वैल्यू निकाल दो, 6 आ गई और भैया फिर पुट कर दो वैल्यूज, आपका आंसर आ जाएगा। आनंद की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 4x है, तो 4 × 6 दैट विल इक्वल टू 24। दोस्तों आ गया ये आंसर कि नहीं आया, आंसर आ गया दोस्तों ये, आगे बढ़ू, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से ताकि मैं आगे बढ़ू। मैं आज आपको 40+ क्वेश्चन कराने वाला हूं एक ही दिन में, 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के बीच में होने वाले हैं, बस आपका साथ दीजिएगा, बहुत फास्ट करेंगे आप, 1 से 1.5 घंटे में 45 से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, गुड क्वेश्चन भैया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फटाफट कर दो भैया, लाइक करो यार मजा आ रहा है तो सबसे पहले लाइक करो, लाइक करो जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर बताइए। आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट बताओ यार। नेम ऑफ द इंडियन सेलिब्रिटी हु हैज बीन चूजन एज द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द 2021 FIAF अवार्ड बाय द इंटरनेशनल, जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव। चलिए देखते हैं आंसर। बी ए प्रियंका चोपड़ा। चलिए देखते हैं, एक आध और आंसर दे दो, एक आध और आंसर आओ यार जल्दी से, एक आध और आंसर दो। चलिए भैया सभी गलत है, इसका आंसर है सी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इज करेक्ट। द बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैज बीन चूजन एज द प्रेस्टिजियस 2021 FIAF अवार्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म। ओके कोई बात नहीं, सीखना है हमारा काम, सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, गुड क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए, तो फिजिक्स रिलेटेड है, जनरल स्टडीज में आता है भैया, ये तो बनना चाहिए सब पे यार, ये आंसर मुझे सबसे चाहिए यार दोस्तों, यार ये आंसर मुझे सबसे चाहिए, ये आंसर मुझे सब बच्चों से चाहिए भैया, सभी बच्चों से इसका आंसर चाहिए दोस्तों मुझे, कम ऑन टेल मी आंसर बताइए।
आंसर बताइए जल्दी से. विच लॉ मनीष लेट आए, बहुत लेट आए मनीष, बहुत लेट आए, बहुत अच्छी चीजें मिस कर दी आपने. तीन चार क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया मिक्स, कोविड वगैरह के जो क्वेश्चन थे काफी बेहतरीन थे. चलिए चलिए, इसके आंसर आना चालू हो गए, इसके आंसर आना चालू हो गए, इसके आंसर बिल्कुल सही, सभी लोग बिल्कुल सही है. कूलम्स लॉ इज करेक्ट आंसर. विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल. तो भैया क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है, क्वार्टर मतलब 1/4 हो जाती है. बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, कूलम्स लॉ इज करेक्ट आंसर. ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन था ये. आगे बढ़े, तो दिक्कत ये किसका, फिजिक्स का लॉ है पूरा ये, यहां से यहां तक. ठीक है, कौन सा, कूलम्स लॉ. ठीक है, कोई इसका फॉर्मूला बताएगा मुझे, इक्वेशन बताएगा, कोई इक्वेशन बताएगा कोई मुझे. तो अगला क्वेश्चन करिए, बीच बीच में मैंने एप्टीट्यूड भी डाला है, बट मेनली मैं जीएस लाया हूं आज. जीएस, जीके और करंट अफेयर्स, सीए, ये मेनली है. बीच बीच में थोड़ी सी एप्टीट्यूड है, थोड़ी सी मिक्स, क्योंकि मजेदार हो. चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, ए इज करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से, बट बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से करिए इसको सॉल्व. आया आंसर, क्या भैया आंसर नहीं आया अभी तक. इसमें मुझे टाइमर देना चाहिए था, गलती हो गई. सी 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 की तरफ जा रहे हैं बच्चे, बाकी बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं देखते हैं भैया. सी सी की तरफ जा रहे हैं दोस्त सभी लोग, चलिए देखते हैं क्या है, सी है भी कि नहीं है. सी सी सी, चलिए, क्या ट्रिक थी, सी इज करेक्ट आंसर. क्या थी, एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है और दो जुड़ रहा है, देख लो. एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है फिर दो ऐड हो रहा है, फिर एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है फिर दो जुड़ रहे हैं, फिर एक सब्ट्रैक्ट हुआ है, अब क्या होगा, दो जुड़ेंगे, 25. चलो फटाफट कर लिया, आगे बढ़ते हैं. यार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, थोड़ी सी रीजनिंग कर लें क्या, थोड़ी सी रीजनिंग कर लें. पहले ये बताओ सबको विजिबल है कि नहीं, ये तो कोई नहीं बोलेगा कि विजिबल नहीं है, विजिबल है सभी को. चलिए विजिबल है क्वेश्चन, विजिबल है सभी को. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ वीडियो में मुझे विजिबल है कि नहीं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. भैया ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है या 19 का है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है दोस्तों, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जाके आप चेक कर सकते हैं, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये, एसएससी जेई का. ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे सर इजी है, इजी बीजी कुछ नहीं है, जो आता है वही लाया हूं. ठीक है, चलिए जल्दी से कर दो, एसएससी जेई का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन में, आगे बढ़ जाऊंगा. बहुत मजेदार हो रहा है भैया, बहुत मजेदार सेशन हो रहा है. चलिए देखते हैं, ए की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, ए की तरफ जा रहे हैं सभी बच्चे, ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है ए. कैसे कैसे है, द टेलर क्या करता है, यूज करता है सीजर को, उसका काटने का काम है, और राइटर क्या करता है, पेन से लिखता है. चलिए ठीक है, ये देखिए लिख भी दिया है, द टेलर यूजेस द सीजर फॉर द पर्पस ऑफ कटिंग द एग्जैक्ट साइज ऑफ क्लोथ, इन द सेम वे राइटर यूज पेन फॉर राइटिंग. तो इजी था, अगला कर दो. ये सारे जेई के क्वेश्चंस हैं और बहुत आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार बोलूंगा लास्ट तक देखना, अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे आप आधा मजा खत्म कर रहे हो. पूरा वीडियो देखो नहीं तो मत अभी चले जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए अगला. अगला क्वेश्चन ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है भाई, और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे की दो, कोई भी एग्जाम दो दोस्तों, वहां पे आपकी ये चीजें काम आएंगी. चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. ए ए ए की तरफ जा रहे हैं बच्चे, ए की तरफ जा रहे हैं भैया नौजवान, तो ए की तरफ जा रहे हैं, टी की तरफ गए, बुल, बुल कैसे हो सकता है बेटा, बुल नहीं है, बुल सही नहीं है. ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर. मेयर क्या होता है, ये मेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, मेयर होता है जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, या जिसको घोड़ी बोल देते हैं अपन, है ना, तो घोड़ा का जो फीमेल वर्जन है, मेयर इज अ फीमेल और फेमिनिन जेंडर ऑफ होर्स. तो जो घोड़ा है ना, मतलब घोड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो है ये. ठीक है, इन द सेम वे पी हेन इज फेमिनिन जेंडर ऑफ पीकॉक, समझ गए, तो याद रखिएगा इस चीज को. चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से.
जेंडर चेंज हुआ है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट भैया, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स जहां हम बहुत लाय करते हैं, मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं, उसके बाद हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, मिरर इमेज में दिक्कत है, वो भी है आगे, बहुत मजा आने वाला है यार। बस सेशन को लाइक करो ताकि मुझे पता चले आपको मजा आ रहा है, ताकि कल और अच्छे क्वेश्चन लाऊं। अच्छा, अपनी डिमांड बता देना, किसी को कोई ऐसा रिकमेंडेशन हो कि सर इसके ज्यादा लाओ, वो ले आऊंगा। चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। दीपम साहब बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही मुझे बाकी लोगों से भी फास्ट आंसर चाहिए। टाइम इज मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्या बोला है, बॉटल, बॉटल का काम क्या है, पानी को रखती। प्लेट, स्पून, नहीं रखने का कोई काम नहीं है। राइट हैंड, हो सकता है। पेन, इंक, बिल्कुल सही। यस और नो, बुक प्रिंट, वो भी हो सकता है, लेकिन सी इज करेक्ट, परफेक्टली आंसर है। पेन का काम क्या है, इंक से चलता है। बॉटल का बिना पानी के क्या काम, अब सर चाय मत बोल देना, है ना, चाय मत बोल देना, भावनाओं को समझो। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगेन देखो, वैरायटी बदल गई दोस्तों, वैरायटी बदल रही है। चलिए वैरायटी बदल रही है भैया, मजा आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, फास्ट चल रहे हैं। मैंने बोल दिया मुझे डेढ़ घंटे, मतलब 90 मिनट में कम से कम 60 क्वेश्चन करेंगे। 90 मिनट भी नहीं बोलूंगा मैं, 70 मिनट में 70 क्वेश्चन करेंगे हम, 70 से 60 क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। जल्दी मेरा साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा तभी हो पाएंगे क्वेश्चन, मेरा साथ नहीं दोगे तो नहीं हो पाएंगे दोस्त। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर। चलिए बताइए जल्दी से, इसके लिए आपको मिलते हैं 50 सेकंड। चलो मैं 50 सेकंड दे रहा हूं आप इसके लिए इसके लिए 50 सेकंड बहुत है। आंसर आ गया, दीपम जा, दीपम साहब बहुत सही आंसर दे रहे हैं, सवाल दीपम साहब ने बहुत जल्दी आंसर दिया, ऐसे सबसे मुझे आंसर चाहिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है, बाकी लोग भी आंसर दो, कम ऑन टेल मी। श्रुति जी बी बोल रही हैं और दीपम साहब भाई ए बोल रहे हैं। चलिए बाकी लोग भी दो आंसर फटाफट। बाकी लोगों के आंसर नहीं आए दोस्तों, बड़ी गलत बात है अभी तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बी ए बी, बी ए ए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए टाइम्स अप भैया, टाइम खत्म हो चुका है। नहीं मिला ये आंसर नहीं मिला। चलिए देखते हैं इसका आंसर भैया। देखो भैया, ये बन रहा है एफ को क्या दे रहा है, एम, कितने का प्लस हो रहा है। एफ से जा रहा है कौन, एम, ये लिखा हुआ है, ओ जी एम वी एम, ये लिखा हुआ है, एफ से जा रहा है एम, कितने का प्लस हो रहा है, 7 करके देख लो। कर रहा हूं लोकेश भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो यार, ये तो कहने की बात ही नहीं है, जब थ्योरी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल करेंगे। देखो ये कितने पे है, एफ कितने पे आता है, गिनो, ए बी सी डी ई एफ आता है कि नहीं आता है, 6 पे आता है। एम कितने पे आता है, 13 पे, गिन के देख लेना, ठीक है, कितने का प्लस हुआ, 7 का। सिमिलरली ओ कितने पे आ रहा है, वो कितने पे आ रहा है, 15 पे आएगा, तो यहाँ पे वी कितने पे आ रहा है, 22 पे आ रहा है, क्लियर। फिर जी कितने पे आ रहा है, 7 पे, एन कितने पे आ रहा है, 14 पे। आई बात समझ की नहीं आई भैया बोलिए। आ गया, ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या भैया, 100% आएंगे, 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 100% आएंगे, ठीक है, 100% आएंगे। सबसे पहले जाके ABCD लिख देना, उल्टी भी और सीधी भी, क्या करना है, उल्टी सीधी मतलब क्या हो रहा हूं, चलो फटाफट बता देता हूं, एक बार लिखना ABCD ऐसे लिखना, और एक बार लिखना उल्टा, ZY इस तरीके से, यहां से भी 1 2 3 कर लेना, यहां से भी 1 2 3 कर लेना, पीछे पहले से लिख के रखना पहले से लिख के रखना इस चीजों को, ठीक है, एग्जाम में आना ही है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, समझ आ गया, अच्छा सेम चीज यहां कर लीजिए आप दोस्तों, समझ आ गया कि नहीं आ गया, चलिए बता दीजिए, जल्दी से बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई। अच्छा टी में दिक्कत आ सकती है, टी से गिनते जाना ए पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जब आप 7 गिनोगे तो, क्योंकि लेटर तो 26 ही होते हैं ना, अपन को 7 जाना है, तो 20 से 7 कहां पहुंचोगे, ए पे पहुंच जाओगे, क्लियर है। आगे बढ़े दोस्तों, किसी को कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट करें, लेट मत करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े,
चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। प्लीज आंसर चाहिए मुझे एक बच्चे से। यार मजा आ रहा है तो लाइक तो ठोको ताकि मुझे भी तो पता चले कितना मजा आ रहा है आप लोगों को। और एक बार फिर से बोल रहा हूं, लिफाफा देख के अंदर का अभी तुम नहीं पहचान पाओगे अंदर और क्या क्या मिलने वाला है। वीडियो पूरा देखने का तभी मजा आएगा, बीच में जाने से कोई मतलब नहीं। बहुत अलग वैरायटी है, बहुत वैरायटीज है, ठीक है। आपको ये चीज आती है, आगे बहुत वैरायटी, और ऐसी चार दिन कंटिन्यू चलना है, चार दिन कंटिन्यू। चलिए इस बार मनीष कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया, उसके बाद दीपम शाह जी ने आंसर दिया, उसके बाद लोकेश भाई ने भी आंसर दे दिया, उसके बाद श्रुति जी ने भी आंसर दे दिया, उसके बाद मिश्रा जी ने भी आंसर दे दिया। तो इस बार अपन ने पिछला क्वेश्चन कर लिया। ये पूरे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जब से मैंने रीजनिंग अभी चालू करी है सारे क्वेश्चन जेई के हैं, प्रीवियस ईयर के, ठीक है। बीच में मैंने अपने क्वेश्चन भी दिए क्योंकि करंट अफेयर तो नया ही आता है। चलिए इज करेक्ट आंसर, क्या प्लस हो रहा था, पहले प्लस थ्री फिर माइनस थ्री फिर प्लस थ्री फिर माइनस थ्री, यही हो रहा था क्या दोस्तों? सब एग्री कर रहे हो इस बात से? एल था तीन जोड़ा ओ पे पहुंच गए, ओ था तीन घटाया एल पे पहुंच गए, आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था भैया, गुड क्वेश्चन, थोड़ा घुमावदार था चलिए लेकिन इजी भी था, गुड प्लस इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम नहीं है भैया अपने पास, टाइम नहीं है, टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा इससे कितना फायदा होगा ये आप एग्जाम में देख लीजिएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करने का फायदा उनको पता है जिन्होंने मेरे साथ एक मंथ से ज्यादा मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं। अगर फायदा ना हो तो बताइएगा, गारंटीड फायदा हो, बस आप क्वेश्चंस करिए क्योंकि मैं क्वेश्चन के कंसेप्ट भी सिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए 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 अगला क्वेश्चन करिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, आंसर बताइए, आंसर बताइए आंसर बताइए जल्दी से। सी एंड बी नहीं, सी बदल दिया, ये क्यों भैया बदला क्यों, बदले की भावना, सी एंड बी। चलिए सी बोल रहे हैं, कितने का आ रहा है, क्या है ट्रिक, क्या है? सी इज करेक्ट आंसर, यस सी इज करेक्ट अगेन, प्लस थ्री प्लस फोर प्लस, अरे ये तो हलवा हो गया। अब आगे बढ़े, इस टाइप के क्वेश्चन स्किप कर दूं, हो गए परफेक्ट, इनमें परफेक्ट हो गए इन सब में। आगे बढ़ते हैं, अब करिए भैया क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। बोला था ना एक बस चीज नहीं, कंसेप्ट देखो आप कितने मिल रहे हैं आज, आपको मजा आ जाए, नहीं तो बताना भैया मजा ना आया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर हो गया उस सबसे पढ़ के, अभी और नया चीज पढ़िए। चलिए जो बीच बीच में जा रहे हैं उनका तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, जो लास्ट तक जुड़ेंगे वो अब समझ गए कि क्या फायदा होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न। आंसर आ गया, किसी को पता है इसका आंसर? डी भैया गलत आंसर मत दो, डी गलत आंसर है। और कोई दे रहा है? बी सी, यस सी इज करेक्ट, सी किसने बोला? सी इज करेक्ट। आई एम सॉरी दोस्तों, बी इज करेक्ट। यार बी एंड सी, मैं थोड़ा सा मुझे इसको दोबारा मैं चेक करूंगा, आई थिंक बी इज करेक्ट, ठीक है। गलती से सी लिख गया है, बी इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, बट मैं इसको एक बार चेक करूंगा। डी बिल्कुल सही नहीं है, बी एंड सी में से एक सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस तो नहीं होना चाहिए, बी इज करेक्ट, आई थिंक बी इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज करेक्ट आंसर। ये गलती से सी लिखा है ना, मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बट फिर भी एक बार चेक करके मैं कल ये बता दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा दोस्तों, ठीक है। बट इसको अभी हम एक स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको मैं एक बार और चेक करके आपको कल बता दूंगा, ठीक है। बी इज करेक्ट मेरे हिसाब से, चलिए ठीक है। तो डी वाले बिल्कुल गलत थे। अगला क्वेश्चन करिए अगला प्रश्न करिए। यहाँ तो भैया गजब बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, ओले है ना, तो किस्मत ऐसा हो ना हो कि लाइट चली जाए, दिक्कत हो जाएगी,
अच्छे मजा आ रहा है, पता चले लाइट चली जाए, है ना। ओले गिर रहे हैं यहाँ तो। आप लोग के यहाँ क्या हाल चाल है, मौसम के बताओ जरा। हाँ भैया चलो क्वेश्चन करो। फिर आपसे बोला है कि भैया क्वेश्चन के साथ लिखा करो कौन से का आंसर बता रहे हो। बी 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 बी, या तो नंबर लिख दिया करो। चलो बी बोल रहे हैं भैया, बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर नॉट, चलिए चेक कर लेते हैं। यस बी इज करेक्ट। कैसे? अरे सच में मैं आपको बताऊं, मतलब वीडियो भेजूंगा, ओले इतने ओले नहीं गिरे हैं, मतलब लोगों की यार फसल खराब हो गई यार, बड़ा दुख हुआ है देख के। एक्चुअली हम निकल रहे थे तो मैंने देखा यार, मतलब खेतों में भर गया यार, तो जिनकी फसल उनका तो बर्बाद हो गया। चलो तो बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। कैसे सही हुआ बी, कैसे सही हुआ? 14 से 4 प्लस 18 और 30 से 4 प्लस 34, बहुत आसान था। चलिए अगला करिए। यहाँ बहुत बारिश हुई आज, बहुत ज्यादा बारिश हुई। गर्मी तो यहाँ भी है लेकिन आज बहुत ज्यादा बारिश हुई है। चलिए खैर क्वेश्चन सॉल्व करिए वाला। बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मतलब बारिश क्या बोलूं यार, पानी गिरे तो भी चलता है, ओले गिरे। चलिए ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। बिल्कुल सही, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्यूब करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, सिर्फ क्यूब करना है इसमें, सिर्फ क्यूब। इजी है, नहीं करा रहे क्वेश्चन, ये भी नहीं करा रहा। ये करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो इजी था इसलिए छोड़ दिया। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। भैया सारे एसएससी जेई के क्वेश्चन से ये है ना, बार बार बोल रहा हूं। पीडीएफ यहां मिलेगी टेलीग्राम पे, ये रही टेलीग्राम, यहां मिलेगी पीडीएफ, है ना। जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना, पीडीएफ यहीं मिलेगी। चलिए खैर, और ये रोज होने वाला है, ये रोज होने वाला है अगले 4 दिन। कलर, कलर इज करेक्ट, कलर इज करेक्ट, कलर इज करेक्ट, कलर इज करेक्ट। चलिए क्योंकि ये सारे कलर हैं बट ये कोई कलर का टाइप नहीं है, है ना भैया। लेकिन यही के क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। इजी बोल दिया भैया, अब तो टफ देना पड़ेंगे, अब टफ देना पड़ेंगे। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। आंसर बताइए क्या हुआ, सोचने में बैठ गए अब। बी मिश्रा जी ने आंसर दे दिया है बी। बाकी लोग, बाकी लोग देखो, जो मैं क्वेश्चन खुद से लाया हूं ना वो थोड़े टफ हैं, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं वो बहुत इजी हैं। जितने जेई वाले क्वेश्चन है बहुत इजी है, मैं थोड़े से लेवल के लाया हूं। ए बी बी ए, दीपम शाह जी गलत हैं आप। ए इज करेक्ट आंसर दीपम शाह जी, दीपम शाह जी ए इज करेक्ट आंसर। ओके ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। मिश्रा जी आप भी गलत हैं, मनीष भाई सही है, लोकेश भाई सही है, हर्षल जी पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं जो कि सही है। ओके सो ए इज करेक्ट आंसर। ओके याद रखिएगा, याद रखिएगा, मिताली राज इज करेक्ट आंसर दोस्तों। हनुप्रीत कौर क्यों फेमस है, कोई कमेंट करके बताएगा ये फेमस क्यों है। चलिए ये बता दीजिए, ये क्यों फेमस है, ये करंटली फेमस क्यों है, चलिए बताइए। आपका एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उल्टा क्वेश्चन है, ये फेमस क्यों, रीजन इसका। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात यहां नहीं करते हैं, ठीक है। तो भैया मिताली राज इज करेक्ट आंसर, यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। T20 की कैप्टन है ये, याद रखिएगा इस चीज को, पूछा जा सकता है। मिताली राज मत लगा के आ जाना, ठीक है, मिताली राज लगा के मत आ जाना। दिस इज दी आंसर फॉर मिताली राज, जिसने सबसे पहले इंटरनेशनल 10,000 रन करे। कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, बढ़िया मजा आया, मुझे पता था यही होने वाला है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है, ठीक है। याद रखिएगा मिताली राज हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर एंड सेकेंड इंटरनेशनल, है ना, टू कंप्लीट 10,000 रन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, ठीक है। हाँ मनीष कुमार, लेकिन ये पूछा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आज डाला था, और बच्चों जिसने भी आंसर दिया था, मेरे मनीष भाई ने आंसर दिया था जो कि गलत था। मनीष भाई अभी आंसर तो मत देना, बाकी लोगों को आंसर देने दो। जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो इसका आंसर दें, क्योंकि टेलीग्राम वालों को मैंने क्वेश्चन बता दिया है। चलिए
आंसर बताइए इसका। टेलीग्राम पे भी ऐसे क्वेश्चन में पूछता रहता हूं। टेलीग्राम कहां जाओ, टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च कर लो, मिल जाऊंगा। टेलीग्राम पे जाके मेरा नाम सर्च कर लेना और उसके बाद पीडीएफ लगा देना, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जिनको मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। बाकी चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर बताइए फटाफट। यार बहुत टाइम लेते हो तुम लोग यार, मजा आ रहा है कि नहीं? चाहिए इसका दूसरा सेशन कि नहीं चाहिए? डी शूटिंग, डी, यस यस, चलो बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर दो, बाकी लोग भी आंसर दो यार, बहुत बढ़िया। डी इज करेक्ट आंसर, शूटिंग इज करेक्ट आंसर। भैया अच्छा क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का पूछा जाएगा। 90 ईयर ओल्ड इंडियन शूटर मनु बकेर हैज अनाउंस द विनर ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कैटेगरी, ठीक है ठीक है, यंगेस्ट, ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ईयर ऑफ द अवार्ड, मतलब उस साल, इमर्जिंग प्लेयर मतलब होता है जो सब नया है, इमर्ज कर रहा है, उसका अवार्ड मिलना। चलिए डी इज करेक्ट, भाई अपना रेसलिंग बोल रहा था शायद। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन। खैर ये अब नहीं पूछा जाएगा, ये अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 2019 में पूछा गया था जेई का, बट किसी को आंसर पता है तो बता दो। चलिए किसी को इसका आंसर पता है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन जनवरी 2019 आर रुपीज 350 कॉमरमेटिव कॉइन वॉज इशूड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम, किसी को पता है इसका आंसर? किसी को इसका आंसर पता है? ए पता है, ए ए ए ए, चलिए देखते हैं, बाकी लोगों को नहीं पता होगा, देखते हैं। इस करेक्ट आंसर दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। ये जिनको पता है वो गलत है, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑन 13 जनवरी 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द कॉमरेटिव कॉइन ऑफ राइस 350 ऑन गुरु गोविंद सिंह इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली द 10th सिख। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। देखो क्वेश्चन बस करने से कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन बस करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। चलिए मैं हाइड होके आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ, ओहो ठीक है, मैं आपको हाइड होके एक बार पढ़ देता हूँ। द 10th सिख गुरु गोविंद सिंह हैज बीन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी थ्रू हिज टीचिंग, ठीक है, एंड आइडियल आइडल्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉडेड द लॉफ्टी आइडियल्स एंड वैल्यू ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, द सेटल सर्विस टू ह्यूमिनिटी, डिवोशन, हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये और कब करा था, 5 जनवरी 2017 की बात है। कमेमोरेटिव पोस्टेड वॉज अ रिलीज ड्यूरिंग द 350th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेटिंग ऑफ गुरु गोविंद सिंह। चलिए करें आगे बढ़ते हैं, तो ये डिटेल है, आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें पढ़ लीजिएगा। गुड क्वेश्चन भैया, दिस इज गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन भैया, तभी भी बनना चाहिए क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है भैया। कर दो सभी लोग फटाफट, आंसर पता है इसका किसी को? दीपम साह जी को पता है, देखते हैं, दीपम साह जी को पता है, बाकी लोगों को? बाकी लोगों को? बाकी लोगों को पता है? सी सी सी, चलिए। पैलाकोंटोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, इज द डील विद द स्टडी ऑफ द फॉसिल इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। पैलाकोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑफ फोजिल, फोजिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द, अच्छा फोजिल क्या होता है? चलो स्टडी ऑफ बेस ऑफ द फोजिल तो बोल दिया, फोजिल होता क्या है? फोजिल आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया एंड लाइफ कॉल्ड लिविंग थिंग्स दैट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रॉक मटेरियल, है ना, और इंप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन रॉक, ठीक है। तो फॉसिल भी पता होना चाहिए होता क्या है, तो याद रखिएगा भैया इसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए,
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? यार लाइक करो तो मजा आए, पता चले भैया। यस यस, स्टडीड इन जियोग्राफी। सिविल इंजीनियर को तो डूब के मर जाना है यार, है ना? उन्होंने तो जियोलॉजी भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। जीवाश्म, क्या बात है, हिंदी वाले भाई, बहुत सही हिंदी बोली भाई ने। चलो मैं पानी पी रहा हूँ जब तक आप इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ इसका। इन फेब 2019 विच कंपनी लॉन्च द प्रोग्राम नेम्ड गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल, अ डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव टू ट्रेन ट्राइबल गर्ल्स फ्रॉम 5 इंडियन स्टेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी जेई का, ठीक है। देखते हैं भैया, सी की तरफ जा रहे हैं बच्चे। लेट्स सी द आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा वो 5 सिटी कौन सी थी? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ठीक है, बी एंड सी में कंफ्यूज है? नहीं, सी इज करेक्ट आंसर, टेंशन मत लो, ठीक है। बी क्या था, गूगल था क्या? बी माइक्रोसॉफ्ट। यार माइक्रोसॉफ्ट कैसे कर सकता है? अगर कंफ्यूज होना था तो इन दोनों में होना था आपको, ठीक है। ऐसे काम यही लोग करते हैं, ठीक है, ऐसे काम यही लोग करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए खैर, ओके, तो याद रखिएगा, किस लिए? गांव की जो औरतें होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको इनकरेज करने के लिए, ठीक है। चलिए, और डिजिटल बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करिए। ये करिए, गुड क्वेश्चन भैया, अगेन गुड क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन भैया, कर दो सभी लोग फटाफट से यार, गुड तो है बट कर दोगे सब, मुझे पता है। कर दो भैया इस क्वेश्चन को फटाफट। बी पक्का है इसका आंसर? इसका आंसर बी पक्का बोल रहे हैं दोस्त? चलिए देखते हैं इसका आंसर। किसी और को पता है इसका आंसर? किसी और को इसका आंसर पता है? क्या बोल रहा है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस है ये? भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, है ना? ऐसे मत दिल तोड़ो मेरा, ऐसे दिल मत तोड़ो मेरा। चलिए बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी इज करेक्ट आंसर। इसकी वैल्यू भी बता देता हूं, द सन एंड अर्थ वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है? 1496 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इसकी वैल्यू है, याद रखिएगा भैया, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड क्वेश्चन था, याद रहने लायक क्वेश्चन था। चलिए ये कर दीजिए, ये तो यार मैंने पढ़ाया है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मैं जब क्वेश्चन करा रहा था मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। ये बनना चाहिए दोस्तों सभी पे, ये क्वेश्चन सभी पे बनना चाहिए, ये क्वेश्चन सभी बनना चाहिए। द एवरेज लेंथ ऑफ सोलर साइकिल इज व्हाट? चलिए बताइए आंसर इसका। सही है मनीष, इसका आंसर बताओ फटाफट। दी दी, चलिए अरुण कुमार जी ने तो अटेंड कराया वो लेक्चर, इसलिए उनको याद है, मनीष कुमार जी को भी याद है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, सोलर साइकिल इज द साइकिल दैट सन्स मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू अप्रोक्सीमेटली एवरी 11 ईयर, तो साइकिल याद रखिएगा भैया 11 ईयर है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ नॉन स्टिक सरफेस? यस यस, डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ नॉन स्टिक सरफेस? नॉन स्टिक सरफेस बनाने के लिए किसको यूज किया जाता है? कमॉन टेल मी दोस्त। अच्छा, जिनका मन है एप्टीट्यूड करने का, मैथमेटिक्स करने का, आ जाना क्लास में। आज एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स दोनों मिलेगी आपको कहाँ? अनअकैडमी ऐप पर। कितने बजे? 8 बजे, फॉलो कर लेना जाके, 8 बजे मिलूंगा मैं आपको अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। 7:30 तक रहेगी ये क्लास, यूट्यूब वाली 7:30 तक, आधा घंटे का ब्रेक,
चरण अकेडमी ऐप पर मिलेंगे। चलिए डी 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 मिश्रा जी ने सबसे पहले दिया, फिर नहीं दीपम शाह जी ने सबसे पहले दिया, उसके बाद अरुण मिश्रा जी ने, उसके बाद मनीष कुमार। चलिए इस करेक्ट आंसर पूरा भैया मैंने इसका ये बना दिया, नहीं सॉरी दीपम मिश्रा जी ने पहले दिया था आंसर। चलिए सही है भैया, टेफ्लॉन क्या है? एक पॉलीमर है। देखो इतनी डिटेल में पढ़ना है अपन को क्वेश्चन को, आसपास का भी कुछ ना बचे, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा पॉलीस्टीन इज अ हार्ड ब्रिटल प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन किट, ठीक है याद रखिएगा इन चीजों को। टेफ्लॉन किस लिए यूज होता है? क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है दोस्तों, ये पीडीएफ जब मैं आपको दूं सारी चीजें आपको एक बार पढ़ के जानी है एग्जाम में। पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन लिखा है ना, ये देखो दोस्त दीपम शाह जी आप टेंशन मत लीजिए, वैसे आपको पता है बहुत अच्छी बात है, बट मैंने सारी चीजें लिख के रखी है, मैंने बोला है ना आसपास की भी सारी चीजें लिख के रखी है दोस्त आपके लिए, ठीक है याद रखिएगा। पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन इज करेक्ट, ठीक है इसको नाम है पीटीएफई के नाम से जानते हैं, ठीक है याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था अगेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर दीजिए। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन, किस पे बना था ये जल्दी बता दो। गोदावरी, मांडीवी, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर, चलिए आंसर बताइए जल्दी से, किस पे बना था भैया ये? गोदावरी कहां पे है गोदावरी नदी? अगर गोदावरी आंसर है तो कहां पे है ये? चलिए मनीष बताइए गोदावरी नदी कहां पे? जो लेट जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है, अभी से तो पूरा देखो, पीछे का पूरा देख लेना, एक एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ जाए। चलिए गोदावरी बोल रहे हैं आंसर, एंड आंसर इज करेक्ट। देखो पूरी चीजें लिखी हैं, कब बना, क्या प्रोजेक्ट था, कितनी उसकी वॉल्यूम थी, सारी चीजें लिख दी है, कितने गांव के लिए बना, सारी चीजें लिखी है दोस्त, देखिए सारी चीजें लिखी है यार। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आप ये बताइए ये चीजें आपके लिए बेनिफिट हैं कि नहीं है, कि मैं फालतू में ये चीजें डाल रहा हूं, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है इन चीजों को, बताइए ये चीजें बेनिफिशियल हैं कि नहीं है आपके लिए, कि नहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, सभी लोग बताइए कमेंट करके, नहीं तो फिर मैं एक काम करूंगा सिर्फ आंसर डालूंगा बताइए 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 जल्दी बताइए, जब तक मैं पानी पी रहा हूं तब तक बता दो। बेनिफिशियल है सर? है बेनिफिशियल, यस सर। नहीं सर डालिए प्लीज, यस सर। ठीक है चलिए, ठीक है हाँ अगला करिए। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं जीएसआई, क्या है फुल फॉर्म क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। द स्टेट विथ हाइएस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट इन इंडिया, कहां पे पाया जाता है सबसे ज्यादा ग्रेफाइट, चलिए बता दीजिए। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे सबसे ज्यादा ग्रेफ, अच्छा टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इस टेलीग्राम पे दे दूंगा पीडीएफ, टेंशन मत लो, ठीक है कहां पे पाया जाता है सबसे ज्यादा, आंसर बताओ सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, कमन टेल मी दोस्त, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र। कौन है महाराष्ट्र से? यहां पे महाराष्ट्र वाले कहां गए? पंजाब वाले, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहां है महाराष्ट्र? आमची मुंबई भैया। चलिए देखते हैं, ए इज करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। चलिए मेरे को हंसी आ गई है ना, महाराष्ट्र वाले खुश हो गए होंगे, बट आंध्र प्रदेश इज करेक्ट आंसर, ओके ठीक है ओके। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इट्स रिपोर्ट रिवील दैट About 35% of India's total graphite rivers are found in Arunachal Pradesh. Yes? Yes or no? मैंने आंध्र प्रदेश बोल दिया शायद जल्दी से, yes or no? Which is highest in the country? मैंने जल्दी जल्दी में आंध्र प्रदेश बोल दिया होगा शायद, या अरुणाचल ही बोला, अरुणाचल प्रदेश, अच्छा पिछले क्वेश्चन में अपन आंध्र प्रदेश बोला था। ग्रेफाइट क्या है? अब जरा देखिए यहाँ पे ये पूछा है, जरा ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन,
ठीक है, ग्रेफाइट क्या है विथ स्टैंडर्ड एंट्रोपी बीइंग जीरो, ये पता था कि नहीं पता था? ये पता था कि नहीं पता था? एंट्रोपी कितनी है? जीरो, इसलिए मैं डाल रहा हूं. इट इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एकमात्र एकमात्र नॉन मेटल एलिमेंट जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. कैसी लगी दोस्तों? अब मेहनत आपको मेरी समझ में आ रही होगी. मेहनत आ रही है? मजा आ रहा है? अब देखो पढ़ा था क्या, क्वेश्चन क्या था और हम पढ़ के आ रहे हैं. तो ये होती है पढ़ाई करने, क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं होना है वो क्वेश्चन यार, और होना भी है तो पिछले 4-5 साल पुराना रिपीट होगा. तो उसके आसपास की चीजें पढ़ो मेरे भाई, उसके आसपास की चीजें पढ़ो. दिस इज द वे टू स्टडी द एग्जाम, टू स्टडी फॉर एग्जाम. ओके दोस्तों, चलिए. ग्रेफाइट इज अ नेचुरली अकरिंग फ्रॉम अ क्रिस्टलाइनिक कार्बन. इट इज अ नेटिव एलिमेंट मिनरल फाउंड इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक. कहां मिलता है? कहां मिलता है? कहां मिलता है भैया? आया मजा कि नहीं आया? मजा आयो कि नहीं आयो भैया? अगर बोल दो मजा नहीं आया तो अभी लेक्चर खत्म करें. आया? चलिए आगे बढ़े यार, लाइक तो ठोको, मजा आ रहा है तो. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन करिए. ये तो मैंने भैया, जिनने मेरी इंजीनियरिंग सर्विसेज की क्लास अटेंड करी उनको पता होना चाहिए. इंजीनियरिंग सर्विसेज में जनरल स्टडी में ये पढ़ा दिया मैंने, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया. चलिए इसका आंसर किस किस को पता है? इसका आंसर किस किस को पता है? इसका आंसर किस किस को पता है? देखो श्रुति जी ने अटेंड करी है क्लास, श्रुति जी ने अटेंड करी है, मिश्रा जी ने अटेंड करी है, बिल्कुल सही आंसर है. जिनने अटेंड करी है क्लास बिल्कुल सही आंसर है. सी इज करेक्ट. नहीं भैया गलत आंसर है, बिल्कुल सी इज करेक्ट, 100% करेक्ट आंसर. इसलिए बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विस की क्लास इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है. इसमें मैंने ये भी पढ़ाया है ये UNFCCC क्या है. अगर मेरे इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो बच्चे जिसमें मैंने ये बैचेस चलाया हुआ, जिसमें मैं जनरल स्टडी पढ़ा रहा हूँ, वो याद करो, पूरा ग्लोबल वार्मिंग, पूरी क्लाइमेटिक चेंज, पूरा EIA, पूरा पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन पढ़ा दिया. अब क्वालिटी वाला पढ़ाना है, फूड क्वालिटी और जो क्वालिटी चेक होते हैं ना वो पढ़ाऊंगा बाद में, इसके बाद है ना. तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल लिखी हुई है कब क्या हुआ. ठीक है, अच्छा ग्रीन हाउस गैसेस भी लिख दी यहाँ पे, कहाँ अप्लाई होता है? ग्रीन हाउस गैसेस पे. और वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, ये लिखी हुई है. ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या है फटाफट सुन लो. सनलाइट जो आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे क्या होता है, सरफेस में हीट प्रोड्यूस कर देती. सारी चीजों की बात हो चुकी है, सारी चीजों की बात हो चुकी है. जरा ध्यान से देखिएगा लेक्चर, ठीक है. जाके एक बार देख लीजिएगा लेक्चर, समझ में आ जाएगी सारी. चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. अरे यार ये यहाँ नहीं देना चाहिए था, ये अपन एप्टीट्यूड की क्लास में करते शायद. चलो खैर आ गया, एक क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन कर दो. वैसे मुझे डालना नहीं चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन, ये हम अनअकैडमी ऐप पर करेंगे इसको. ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे करें इस क्वेश्चन को दोस्तों. बताइए तो दोस्तों आ गया तो करी दो, एक काम करो. कर रहे हो क्या? चलो कर दो फटाफट, अगर किसी बन रहा है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अगर ये बन जाए तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन. पता SSC JEE से थोड़ा सा लेवल ऊपर है, थोड़ा सा, ऐसा टफ नहीं है. गेट वगैरह से तो काफी इजी है, बट फिर भी बन रहा है किसी से? बन रहा है किसी से? लास्ट 10 सेकेंड्स. आंसर आया किसी का? देखो मैं बता देता हूं. डेंसिटी देख के रखिए, डेंसिटी देख के रखिए, है ना. तो डेंसिटी को क्या बोलते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन वॉल्यूम.
यहां से वेट नहीं निकाल लोगे वॉल्यूम के तरफ, यस और नो, बस यही करना है। क्वेश्चन में बहुत इजी है, एक्सटर्नल रेडियस दे के रखा है, इंटरनल रेडियस दे के रखा है, यहां से वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करके यहां से वॉल्यूम निकाल लो, और उसके बाद वेट निकालना है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी दे के रखी है तो वेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वेट निकल आएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम अनअकैडमी ऐप पर करेंगे, है ना। 3.6 इज करेक्ट आंसर जिनका आ गया है, बहुत बढ़िया, इजी था, टफ नहीं है। पहले वॉल्यूम निकालो और उससे कर लो, थोड़ा सा मैं तो दिमाग चेक करने के लिए डाल दिया, यहाँ पे डालना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन को, बना रहे थे, अच्छा बन गया तो अच्छी बात है, बन गया तो अच्छी बात है दोस्त, कोई बात नहीं, ठीक है, बन गया तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, बन गया तो अच्छी बात है। अब ये तुम लोग ने देख लिया होगा शायद यार, आंसर हीटर हो ना तुम लोग, है ना, ये देख लिया होगा आप लोगों ने, बताइए इसका आंसर फटाफट, इसका आंसर बताइए फटाफट से। नेम ऑफ द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी बॉक्स। अभी आप हॉटस्टार जिसको देखते हो, हॉटस्टार देखते हो कि नहीं? नहीं भैया, गलत आंसर है। अरे यार गलत बात है यार, गलत बात है। हॉटस्टार किसके साथ कोलैबोरेट कर गया, हॉटस्टार किसके साथ कोलैबोरेट कर गया है, डिज्नी के साथ, नहीं डिज्नी हॉटस्टार नहीं बोलते हो आजकल, आजकल डिज्नी हॉटस्टार नहीं बोलने लगे क्या, पहले हॉटस्टार बोलते थे, आजकल डिज्नी हॉटस्टार बोल रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो उसी ने खरीद लिया इसको, ठीक है, ठीक है, यस, देखते हो भैया पूरा मैच देखते हो यार, उस पर क्या बात कर रहे हो दोस्त, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करिए। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, याद रखिएगा वो चीज, है ना, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर बताइए फटाफट से। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये पता है, थोड़ा सा ये लेवल का क्वेश्चन है, डी, चलिए डी बोल रहे हैं, यस डी इज करेक्ट, यार लेवल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डी इज करेक्ट, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, यस डी इज करेक्ट, बिल्कुल 100%, नहीं सी इज नॉट करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। आरबीआई का नाम सुना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आजकल बहुत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो लेता होगा, है ना, ठीक है, तो डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये गलती करेंगे बच्चे इसमें, आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए इसका, इसका आंसर बताइए भैया जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट। हाँ यार देख रहे हो, ये है हमारे हालत, ये है हमारी हालत, बताओ हैं क्यों दोस्त, किसी को नहीं पता जीएसटी बहुत पड़ा, किसी को नहीं पता इसका आंसर, बड़ी अनफॉर्चुनेटली बात है ये तो दोस्त, बड़ी गलत बात है। बहुत बढ़िया दीपम साहब, दीपम साह इज करेक्ट, 28% इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, मुझे पता था 18 पे ही जाओगे आप लोग, बहुत बढ़िया, 28% इज करेक्ट दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए ओके, याद रखिएगा, याद रखिएगा 28% इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, यस यस 28% इज करेक्ट, अगला क्वेश्चन करिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ उनगा डायनेस्टी। इसमें मैं बहुत वीक था, बहुत पढ़ना पड़ता था इसमें मुझे, ठीक है, मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता था। चलिए आंसर बताइए इसका फटाफट, फटाफट इसका आंसर बताइए। चलो इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता है, बहुत अच्छी बात है अगर पता है तो। इस करेक्ट, पुष्यमित्र वॉज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी,
बहुत बढ़िया, क्या बात है, जो पता है वो तो पता ही है, चलिए ये करिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज 4। ऐसे ही मिक्स चाहिए कल भी, ऐसा तो नहीं है एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, मिक्स में मजा आता है सभी को। स्टडीड इन हिस्ट्री, बिल्कुल सही, हिस्ट्री में ही पढ़ना था वो सब हमें। इसका आंसर बताइए फटाफट, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो तो बता देना भैया, मजा आना चाहिए, जब तक मजे आ रहे हैं तभी तक पढ़े अपन इसको। चलिए ठीक है, फाइव ईयर्स बोल रहे हैं मनीष कुमार जी, 5 बोल रहे हैं आंसर, देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। सी बोल रहे हैं मिश्रा जी, वो भी 5 ही है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। तीन ईयर डी बोल रही है ज्योति जी डी बोल रही है। चलिए लेट्स सी द आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। अरे यार नहीं बना। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इज 6 ईयर। याद रखिएगा आपने, प्लीज याद रखिएगा, क्या आंसर इसका 6 ईयर, मत भूलिएगा। राज्यसभा के लिए कितना होता है टर्म, 6 ईयर, याद रखिएगा ठीक है। यस यस और नो मित्रों, याद रहेगा, किसी को इसका आंसर नहीं पता था तो टफ इजी कुछ नहीं होता, मेरे लिए इजी था क्योंकि मुझे ये आता था, है ना, और जो आपके लिए आता है वो इजी हो जाता है, जो नहीं आता वो टफ हो जाता है, इजी को टफ कुछ नहीं होता दोस्त, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट अवर नॉलेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 40 तक तो कर लिए होंगे ना दोस्तों की नहीं किए अभी तक, मैं चेक करूं कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 40 तक तो कर लिए मेरे हिसाब से, है ना, और करेंगे अभी 20-25 क्वेश्चन और निपटाते हैं। चलिए करिए, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट रोल डज द मॉडरेटर प्ले। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर क्या रोल प्ले करता है बताइए बताइए जरा आंसर मुझे इसका। चलिए मैकेनिकल वाले बोलेंगे लग रहा है इसका आंसर, बट पढ़ना सबको है, अगेन कोई मैकेनिकल सिविल नहीं होता है यहाँ पे, है ना, सीएससी कुछ भी ऐसा नहीं है, सबको पढ़ना है क्वेश्चन। इट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम फिजन। चलिए देखते हैं बाकी आंसर क्यों नहीं दिए यार, बोलो आप लोगों के लिए रुक जाता हूं मैं कि मैं सभी बच्चे आंसर दे दें यार। ए ए ए चलिए देखते हैं, एक ने बोला है तो जंगल जैसी आग फैली, बट सही था। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम फिजन, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को जिनको नहीं पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बता दो जरा, दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन, बट बच्चों को आता होगा, चलिए अच्छी बात है, ये पता है आपको, तो ये भी सबके लिए हो गई ये चीज, अगर सही है तो मनीष कुमार की बात, ये गुड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों इसमें दोस्तों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको पता है वो बढ़िया है, जिनको नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि हमारे कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ। चलिए, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यस करेक्ट आंसर, लेंथ इज करेक्ट सही है, ठीक है, कोई नहीं हुआ हाँ भाई ठीक है, मैं तो देख रहा था कोई बताया नहीं। चलो ये करो, गैस जायंट के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है, चलिए बता दीजिए इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर। मनीष कुमार जी ने बहुत तगड़ा जल्दी से आंसर दे दिया, जुपिटर, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, हिंदी बताएगा कोई मुझे, जुपिटर की हिंदी बताएगा कोई, डी बोल रहे हैं ज्योति जी, डी बोल रहे हैं दीपम शाह जी, सी बोल रहे हैं, सी इज करेक्ट आंसर। जुपिटर प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज गैस जायंट बिकॉज दिस, बी कर दिया यार, वेनस कर दिया, नहीं बी इज नॉट करेक्ट आंसर दोस्त, जुपिटर इज करेक्ट, बिकॉज दिस प्लैनेट इज मेनली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्या कंपोज करता है मेनली, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके दोस्तों ये प्लैनेट जो है कनेक्ट कंटेन करके रखते हैं, कंपोज करके रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वही ये कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले सही फिर गलत। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इंडियन हॉकी टीम कैप्टन वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, किसी को पता है? किसी को पता है? यार अपने दोस्तों को ही बुलाओ यार, समझ रहे हो? सभी अगर मजा आ रहा है तो बुलाओ फटाफट, है ना। चलिए कल मुझे और दोस्त चाहिए आपके, सभी लोगों के, अगर मजा आ रहा है तो। चलिए हाँ, इंडियन हॉकी टीम कैप्टन कौन है? बी जसपाल सिंह मुंडा, बलवीर सिंह सीनियर, ध्यानचंद जी, सरदार सिंह। चलिए देखते हैं आंसर। नहीं पता तो सीधा बोलो ना, नहीं पता। बी इज करेक्ट आंसर, श्रुति इज करेक्ट। जसपाल सिंह मुंडा वॉज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। नहीं, बलवीर सिंह सीनियर इज रॉन्ग आंसर माय फ्रेंड। दीपम शाह जी, जसपाल सिंह मुंडा, याद रखिएगा, मुंडा कमाल है, कमाल के मुंडे हैं भैया, हैट्स ऑफ टू हिम। तो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन जो कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया भी रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन। सोचिए अगर अपन ऐसे रोज क्वेश्चन करें तो कितना सही होगा, बट इट्स ऑल कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये भी जेई में आया हुआ है। अगला प्रश्न करिए भैया। अगला प्रश्न चाहिए मुझे आंसर। वेट, इफ ए डॉलर का साइन बी मींस ए इज सन ऑफ बी, मतलब इसका मतलब है सन, मतलब जो ए है वो सन है किसका, बी का, एंड ए हैज बी मींस ए इज ब्रदर ऑफ बी, एंड मतलब इसका मतलब हो गया ब्रदर, एंड इफ ए मल्टीप्लाई बी मींस ए इज मदर ऑफ बी, देन व्हाट डज पी मल्टीप्लाई डॉलर आर मीन। सी दीपम शाह जी ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर मनीष ने दिया, फिर श्रुति ने दिया। सी P is S brothers wife, जो मतलब P है वो S के भाई की पत्नी है, ओके यही बोलना चाह रहे हैं, सी बोल रहे हैं, या C is correct, C is correct, P is mother of Q and Q is son of R and R is brother of S। आई बात समझ में, क्या बोला है फिर से सुन लो, मैंने बोला है जो P और Q के बीच में क्या रिश्ता है कि P जो है इनकी माँ है, और Q और R के बीच में क्या रिश्ता है, क्यू जो है आर का बेटा है और ये बेटे की क्या है, माँ, मतलब आर के बेटे की माँ पी, और एस क्या है, एस क्या है, आर और एस, आर जो है वो ब्रदर है भाई एस का, बस यही लिखा हुआ है। और आसानी से आप इसका आंसर बता दीजिए कि ये इसके भाई की क्या है, पत्नी। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस ग्राफ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स, बताइए जल्दी से क्या मिसिंग है। क्या मिसिंग है भैया, जो लोड लेट जुड़ रहे हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, भैया वीडियो पूरा देख लेना, बीच वाला जो देख रहे हैं गड़बड़ हो रहा है काम, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना, जिन्होंने शुरू से लास्ट तक जुड़े उनसे पूछिए क्या मजा आ रहा है उनको। चलिए दीपम शाह जी बोल रहे हैं 14 बी इज करेक्ट आंसर, बाकी लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं, चौदह बोल रहे हैं, बड़ी जल्दी आंसर निकाला दीपम शाह जी ने, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, 14 बोल रहे हैं, लेट सी द आंसर, यस 14 इज करेक्ट, बिल्कुल सही, 10 प्लस 2 इज 12, 7 प्लस 2 इज 9, 10 प्लस 4 इज 14, बस यही लिखा है, बहुत इजी था, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। चलिए
इसको अपन करेंगे बाद में, ये इसको छोड़िए ये करिए। वो जो एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है वो हम अनअकैडमी ऐप पर देख लेंगे, ठीक है ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर अपन फास्ट जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉलो द ट्रेंड ऑफ गिवन लिस्ट, चलिए बताइए, मतलब आगे भी यही टर्म फॉलो करना चाहिए, यही सिक्वेंस फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड जिसको बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया दीपम भाई, साहब इसमें बहुत एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया, ए बोल रहे हैं, लेट्स सी द आंसर, बाकी लोग भी करिए। ए ए ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। कैसे जब इसमें देखा गया ये टू पे था, ठीक है, इसमें टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर वन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और फिर फाइव, ठीक है, इस तरीके से ही गए थे, इसी तरीके से किया। हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो, कोई बात नहीं श्रुति जी, कोई बात नहीं, आंसर सही आना चाहिए, वो मैटर करता है ना, आंसर आना मैटर करता है। सर आई एम गुड इन एप्टी बट वीक इन जीके, वही तो दिक्कत है दोस्त, अपन को ऑलराउंडर होना पड़ेगा। आप बेस्ट हो जाना एप्टी में, है ना, और अगर जीके में वर्स्ट हो गए तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप बेस्ट जीके में हो गए, ऐसा भी नहीं कि वर्स्ट आप एप्टी में हो जाओ, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है दोस्त, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन करिए। शिवम कुमार काफी लेट है, वीडियो को पीछे देखिएगा, बहुत कुछ छोड़ दिया आपने, ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। डेली 6 बजे शार्ट जुड़ा करो, ठीक है, प्लस हमने उनको डिटेल में डिस्कस भी करा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं 10 सेकंड में आता हूं। आंसर आई रुचि का, ए बी, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, लेट्स सी द आंसर, चलिए देखते हैं आंसर, बी बोल रहे हैं आंसर। कोई गायब हुआ क्या, कोई गायब हुआ क्या, कुछ लोग गायब हो गए भैया, गलत बात है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ए ए सी बी, ये क्या कर रहे हो यार, ये इजी क्वेश्चन है यार, इसमें गलती होना बहुत गलत बात है यार दोस्तों, बुरा लगता है। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है, ए होगा सर, बदल दिया, बदल दिया, है ना। अ साइक्लिस्ट गोज 8 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, देन टर्न ईस्ट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, देन टर्न साउथ ट्रेवल 7 किलोमीटर, वेयर इज ही नाउ विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पोजिशन। चलिए देखते हैं, देखते हैं साइक्लिस्ट, पहले तो ये बताओ सबको ये पता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं, सबसे पहले इसको याद कर लो भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये याद होना बहुत जरूरी है, आजकल गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछ रहे हैं, तो गलत फिर वहां तुम्हें कोई नहीं आएगा मनीष बताने के लिए, यही तो गलती नहीं करनी है, एक बार में आंसर चाहिए। चलिए आज पहला दिन है, बट आगे से ध्यान रखिएगा, है ना, यही तो सीखना है, ठीक है। तो भैया बस अब तो बाप बना लो यार, सबसे पहले क्या गया, साइक्लिस गोज 8 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया 8 किलोमीटर, कहाँ गया, ये गया 8 किलोमीटर, फिर देन टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब किस साइड लेफ्ट, टर्न कहाँ होगा, लेफ्ट यहां से यहां जाएगा, यस, कितना गया 7 किलोमीटर, टर्न ईस्ट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, फिर कहाँ टर्न हो गया, ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, कोई बात नहीं, फिर देन टर्न साउथ एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, ये आ गया। तो भैया ये पहले पॉइंट से कितना है, 8, ये 10, ये गुड क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेशर नहीं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पेशेंसली पहले सबसे पहले इसको बनाइए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उसी प्रकार का क्वेश्चन, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई और बहनों किसी का भी, प्लीज ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्त, आई वॉन्ट दी आंसर फ्रॉम एवरी वन, प्लीज दोस्तों,
जल्दी से कर दो इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो दोस्तों फटाफट। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम एवरीवन, गिव मी द डैम आंसर। सी, गुड क्वेश्चन, उससे बेहतर क्वेश्चन है दोस्ती, करो तो इसको तो करो एक बार। इसको तो सॉल्व करो एक बार, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करोगे तो। पैसा वसूल क्वेश्चन है, टू वर्कमैन एल एंड एम स्टार्ट एट द पॉइंट, एल वॉक्स 25 मीटर ईस्ट, देन रन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, इन द मीन वाइल एम वॉक्स 18 मीटर साउथ, then turns to his right and walks 17 meter, then turns north and walks 30 meter, where is M with respect to L? A, 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 चलिए A answer आ गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि A is correct answer, ऐसे ही किया सभी ने, ऐसे ही बनाया था दोस्तों, ऐसे ही बना के करना है दोस्तों क्वेश्चन। अच्छा ये सॉल्व कराऊं कि हो गया सभी पे, हो गया दोस्तों, इसको सॉल्व कराऊं कि हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं सीधा, आगे बढ़ जाऊं आगे बढ़ जाऊं ना भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात, ये करिए, ये भी आते हैं, इनसे आप पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं, आगे बढ़ गया तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए दोस्तों, आंसर क्या है? बी, सी, देखते हैं, लड़ाई हो रही है इसमें तो देखना पड़ेगा किसका आंसर सही है, देखते हैं चलिए देखते हैं इसका आंसर फटाफट। देखते हैं बोला है क्वेश्चन में ऑल क्लोथ इज सिल्क All cloth क्या है? सिल्क, ठीक है, ये क्या होगा क्लोथ, ये होगा सिल्क, यही होगा दोस्तों कि नहीं होगा, कमन टेल मी, सिल्क अंदर आएगा कि क्लोथ अंदर आएगा? ऑल क्लोथ, जो क्लोथ है वो सारे के सारे क्या है? सिल्क है। क्या बोला है? ऑल सिल्क इज कॉटन, इस तरीके से ये कॉटन हो गया, यही होगा, बदल गया आंसर यार, आंसर बदल रहे हैं आप लोगों के, आंसर बदल रहे हैं, नहीं नहीं दीपम साह जी का यही आंसर था शुरुआत से, अंधेली सॉरी, ए ए। अब बोल रहे हैं कंक्लूजन, सम कॉटन इज क्लोथ, और बोल रहे हैं ऑल क्लोथ इज कॉटन। यार दोस्त मुझे एक बात बताओ, आप गलत बोल रहे हैं दीपम साह जी गलत बोल रहे हैं दोस्त, प्लीज करेक्ट आंसर, क्यों सुन लीजिए क्यों है? अगला बोला है ऑल क्लोथ इज कॉटन, क्या ऑल ये क्या था अपने, क्लोथ ही तो थे ये सारे, क्लोथ ही तो कॉटन है दोस्त, ध्यान से देखिए दीपम साह जी, ध्यान से देखिए, सी इज करेक्ट सी इज करेक्ट दोस्त, सी इज करेक्ट कि बी, सम कॉटन इज क्लोथ बताइए जल्दी से, ऐसे ही बनाया सेम, मैंने तो बिना देखे बनाया, ये है रियल, मैंने तो बिना देखे बनाया भैया, बताइए हो गया क्लियर हो गया? बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, आया मजा आया
हालांकि आप भी ये जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ किया करो यार, कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। बाहर कौन सा आएगा, अंदर कौन सा आएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करो, ठीक है? मुझे पता है आप लोगों को आते हैं, बट पेशेंस के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बना रहे हैं। क्लियर है? अगला करिए, अब अगला करिए, अगला गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या हुआ, इसका आंसर नहीं आया अभी तक? ऑल कैटरपिलर्स आर बटरफ्लाई, सम कैटरपिलर आर इंसेक्ट, नो बटरफ्लाई आर एनिमल। चलिए देखते हैं, सम इंसेक्ट आर बटरफ्लाई, ऑल इंसेक्ट आर एनिमल, सम एनिमल आर कैटरपिलर। करिए इस क्वेश्चन को जरा, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, मनीष कुमार जी ने तो आंसर दे दिया है, बाकी लोगों के आंसर देखते हैं। मनीष कुमार जी ने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का, ए। दीपम शाह जी ने भी दे दिया इस बार, तो देखते हैं बड़े कॉन्फिडेंस में। आप लोग एक चीज ध्यान दे रहे हैं, उसी टाइप के अगर मैं दो क्वेश्चन कराता हूं, आप पहला गलत करते हैं दूसरा सही कर देते हैं, है ना? अच्छी बात है कि गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन जब कल इसी प्रकार के और क्वेश्चन आएंगे, कल गलतियां वापस से नहीं होनी चाहिए, है ना? अब गलतियों से हमें सीख लेना है, आज तो सीख ले ली, कल भी गलतियों से सीख लेना है। चलिए, बाकी के आंसर क्या है, बाकियों के आंसर क्या है? ए इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, हुई मुझे। अब ये बताने की जरूरत है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? मैंने पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था आपको, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने की अब जरूरत है। करूं क्या एक्सप्लेन? कोई बोलेगा तो कर दूंगा, कोई भी बोलेगा कि कर दो तो कर दूंगा, क्योंकि मैं पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो देख लो, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। और कैटरपिलर्स आर जो है वो क्या है? बटरफ्लाई। जितने भी कैटरपिलर्स हैं वो सारे के सारे क्या है? बटरफ्लाई। तो कैटरपिलर और ये बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई और ये कैटरपिलर, ठीक है? आगे क्या बोला? सम कैटरपिलर आर इंसेक्ट, सम ये इंसेक्ट और ये सम। अगला क्या बोला है? नो बटरफ्लाई आर एनिमल। ये बटरफ्लाई तो ये था ना, कोई भी बटरफ्लाई का कनेक्शन नहीं है एनिमल, ये बटरफ्लाई था, ठीक है? अब बन जाएगा, बना लो यार। क्या बोला था पहला? सम इंसेक्ट और बटरफ्लाई, है ना? सर प्रीवियस क्वेश्चन जल्दबाजी में रॉन्ग हो गया, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है दीपम भाई अपन को, है ना? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। सम इंसेक्ट आर बटरफ्लाई, सम इंसेक्ट आर बटरफ्लाई, यस इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, ठीक है? अच्छा, इसको कोई ये मत बोलना कि यार सर ये यहां बना रहे और ये यहां बना रहे, तो वो आएगा ही, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना? ये बाहर भी हो सकता है। अच्छा, ये ऐसे भी बन सकता है क्या? ऐसे भी हो सकता है, ये हो सकता है क्या? ऐसे भी हो सकता है, आया ना, ये ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, है ना? चलिए, ऑल इंसेक्ट आर एनिमल, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है तो गलत हो गया। सम एनिमल आर कैटरपिलर, सम नहीं, ये भी था, तो इजी था ये, इजी वन। चलिए अगला करिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो, हमने हिस्ट्री भी कर ली है, उसमें जीएस भी कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन करें, है ना? साथ ही साथ एपटी भी करा, रीजनिंग भी करा, लॉजिक क्वेश्चन भी करे, करंट अफेयर भी करे, सब करे, ऐसा बता दो कि एक भी चीज छूटी हो तो। आया मजा, मैं ढूंढ ढूंढ के सब कुछ लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, विथ रीजन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जल्दी से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। चलिए, ए बोल रहे हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्ड क्यूब इन द फिगर। याद रखना क्या पूछा है, पहले देख लेना, कैन नॉट पूछा है। ध्यान से भैया, ध्यान से आंसर दीजिएगा, ओके? चलिए,
ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए इस तरीके से बनाया भी गया, ये तो नहीं ही आएगा, कुछ भी आ जाए ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, बट ये नहीं आ सकता है ना। यस यस, ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को दोस्तों? कोई दिक्कत है तो पूछ लो यार अभी से, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट, क्लियर है कि नहीं। दीपम शाह जी बोल रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन दिस, देखो उसने क्या बोला था, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए दीपम शाह जी बोल रहे हैं एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। इनने बोला है, वैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, इनने बोला है अगर मैं इसको अनफोल्ड करूं तो ये बनना चाहिए, इसको अनफोल्ड करूं ये बनना चाहिए, इसको मतलब ये अनफोल्डेड वर्जन है। क्या बोला है इसको? बोला है ये अनफोल्डेड वर्जन है, किसका? इनका। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको फोल्ड करूं, कितने तरीके से फोल्ड कर सकते हो? इसको ऐसे ऐसे लाकर फोल्ड कर सकते हो। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो पोर्शन है, तो आप इसको यहाँ पे रखोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको यहाँ करके ये करके फिर इसको ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ सकता है, 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 लेकिन ये ऊपर नहीं आ सकता किसी भी केस में। ये सबसे ऊपर आ सकता है क्या, बताइए कमेंट करके। ठीक है, ये बोला गया है, तो ये बोला गया है कि किसका अनफोल्डेड वर्जन नहीं है? इसका है, आप करके देखो, इसका है, इसका है, इसका है, लेकिन इसका नहीं। इसको 3D बनाया गया है दोस्त, ये 3D फिगर दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए, देखिए ये रहा, देखिए अब ध्यान से है ना, ये देखिए यहाँ पे, वही तो बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए ध्यान सुनिए, ये क्या है? इसको आप फेस करेंगे, इसका ये अपोजिट फेस है, गॉट इट? फिर भी देख लीजिए, ये अपोजिट फेस है, ये इसका अपोजिट फेस है। तो ऑप्शन ए में ये जो है और ये आर दी एडजेसेंट साइड आ रही हैं, क्या आ रही हैं? ये क्रॉस और प्लस, देखो ये क्रॉस और ये प्लस, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये जस्ट अपोजिट है। अगर ये करोगे तो इसको प्लस को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो क्या? पहले ये इसके ऊपर आएगा, फिर ये इस पे आएगा ना, प्लस साइन एंड मल्टीप्लाई साइन आर अपोजिट, वही तो बता रहा हूं। यहां पे क्या है देखो, मैं बोल रहा हूं आप इसको यहां ला सकते हो टॉप पे, लेकिन इसको डायरेक्ट इसके बगल में कैसे ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, ये अपोजिट है एक दूसरे के तो ये एक के साथ नहीं आ सकते। आई बात समझ में? बात समझ आई कि नहीं आई? गुड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, जो समझना है समझो, बट अच्छा क्वेश्चन SSC में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय फ्रेंड, चलिए कर दीजिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। करिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फटाफट। लास्ट क्वेश्चन अब दीदी कर दो, ये देखते हैं आंसर चेक करते हैं। चेक करते हैं भैया, क्या आंसर है? आया किसी का आंसर कि नहीं आया भैया? बाकी लोगों के आंसर नहीं आए अभी तक? बाकी लोगों के आंसर नहीं आए? बी डी डी सी, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं आंसर। पहले आंसर चेक कर लेते हैं, पहले मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर पैटर्न कैन बी कंबाइन टू मेक द क्वेश्चन फिगर, कौन से ऐसे पैटर्न है जिनको कंबाइन कर दिया जाए, इनको कंबाइन कर दें हम,
मतलब ऐड कर दें, वो पजल बनाते थे ना जो बचपन में, अभी बनाते हैं, तो ये बन जाए। चलिए देखते हैं यार, एक बात बताओ, बी कैसे हो सकता है यार? शिवम भाई बी कैसे? बी नहीं हो सकता दोस्त। क्यों, इसको कहाँ रखोगे यार, इसको कहाँ रखोगे? ये देखो, चलो आपने ये बोल के बोल दिया होगा कि सर ये ऐसा पोर्शन है, इसको कहाँ रखोगे यार? यहाँ पे ऐसा कोई डिब्बा आ ही नहीं रहा कि चार डिब्बे एक साथ आ जाए, तो बी तो नॉट पॉसिबल दोस्त। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर, बी इज नॉट पॉसिबल दोस्त। ओके, ऐसे देखो, ऐसे समझना था, अगर आपको एलिमिनेट भी करना है, एलिमिनेट भी करना है तो ऐसे समझना था। कैसे बताए, ये आपका आ गया, चलिए मान लीजिए मैंने ये मान लिया है ना, तो इसको कहां पुट करोगे यार? ऐसे साथ में चार डिब्बे आपको कहीं दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? इसके बाद कहीं भी नहीं दिख रहा, देखो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो ये तो नॉट ही पॉसिबल हो गया। ठीक है, चलिए अब एक ही तरफ आते हैं, एक का चलिए ये बन गया, एक दो तीन चार और एक, एक दो चार ये बन गया। अब मुझे चाहिए क्या, अब ये कहां फिट करोगे? ये फिट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, कहीं फिट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, कहीं फिट नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलिए अब सी की तरफ आते हैं, सी की तरफ आते हैं, जो सी ऐसे ही था, जो सबसे ज्यादा लग रहा था कि नहीं हो सकता, ये सबसे ज्यादा ऐसा था नहीं हो सकता, बट सी इज करेक्ट। चलिए देखते कैसे। देखिए सबसे पहले तो हम इसको रखते हैं ऐसा, रखा रखा कि नहीं रखा, देखो रखा, इसको ऐड करो यहां पर सबसे ऊपर टॉप साइड, ऐड करो जरा, ऐड करो, एक ये बाहर निकल आएगी, बोलिए दोस्तों है कि नहीं? देखिए यही करा गया है, देखो ये फोर वाला साइड, ये फोर वाले साइड, ठीक है, और इसको यहां ऐड करके एक बॉक्स यहां आके और ये इसके साथ यहां जुड़ जाए। आई बात समझ में? ये इट्स कंप्लीटली इमेजिनरी थिंग्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें आएंगी। मैं ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके करूंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके करूंगा जो वर्स्ट पॉसिबल, ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। देन मुझे एक बात बताइए, कैसे लगे क्वेश्चंस? कौन सा ऐसा पोर्शन लगा आपको जो लगा कि यार ये ज्यादा होना चाहिए था, बताइए। हमने सारे क्वेश्चंस निपटाए डेढ़ घंटे में, अप्रोक्सीमेट हमने 50 क्वेश्चन तो करे, मिनिमम 50 से ज्यादा भी करे होंगे। हमने जनरल स्टडी भी करी, हमने थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी देखी, कम थी पॉलिटिक्स ना, क्योंकि कम आती है वो, हमने थोड़ा सा अवेयरनेस भी देखा, प्लस करंट अफेयर भी देखा, प्लस एफटी भी देखा, मेरा रिमेन रीजनिंग सब कुछ देखा, ठीक है। अब हम मिलेंगे रात में 8 बजे, जहां पे एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स होगा, थोड़ा सा लेवल अप होगा, ठीक है, वहां पर हम एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और एजेस और मैट्रिक्स वगैरह सब करने वाले हैं रात में 8 बजे, तो जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों, जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए भैया, लिख दीजिए जल्दी से मेरा नाम, मेरा नाम है अनुज चौबे, जाइए टेलीग्राम पे ये लिख दीजिए और ये पीडीएफ आप ले लीजिए, ये पीडीएफ बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस बहुत प्यारे कराए हैं दोस्तों, जिन्होंने वीडियो मिस करा है बहुत बड़ी गलती करी है, डेली 6 बजे करा रहा हूं, वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिए, आपको लेवल समझ में आ जाएगा, हर प्रकार के क्वेश्चंस डाले हैं, ये देखिए ये शुरुआत में जो आपने छोड़े हर प्रकार के क्वेश्चंस डाले थे और डिटेल में इनको डिस्कस भी मैंने करा, ठीक है, देखिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन ईजी है, इसको आगे छोड़िए, आगे बढ़िए, बट करिएगा जरूर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और रात में 8 बजे मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, तब तक के लिए सेशन को लाइक करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। चलिए जाने का वक्त हो गया है, जो लेट जुड़े हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, टाइम पर आया कीजिए और वीडियो को पीछे करके अभी देख लो, पूरा वीडियो अभी देख लो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रात में 8 बजे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।